बिहार दिवस के शुभ अवसर पर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा शुरू किया गया अपना पाठशाला। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार ने किया शुभारंभ। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों और महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा और जागरूकता पर काम किया जाएगा। छात्र नेता सोनी तिवारी के द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई है। उनका कहना है कि हम जगह जगह पूरे बिहार में बस्तियों में स्टडी सेंटर खोलेंगे। कुल 22 छात्राओं की टीम है, जिसमें मुख्य रूप से प्रिया वर्मा, नेहा चौबे, रीमा बसु, तारा यदुवंशी, खुशबू कुमारी, मंजू बाला, प्रतिमा कुमारी, प्रीति कुमारी है। छात्र नेता सोनी तिवारी का कहना है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और जागरूकता की समस्या है। सरकार की योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। इस मुहिम के बारे में मंत्री सुमित कुमार ने कहा कि युवा को समाज में आगे आकर काम करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में कॉलेज की छात्राओं के इस मुहिम को देखकर बहुत ही गर्व हुआ। इस मुहिम में कई सारे सामाजिक और लोकप्रिय लोग भी छात्राओं के मनोबल को बढ़ावा देने पहुंचे थे। शिक्षा बिहार के संस्थापक अविनाश बंधु की तरफ से लोगों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूक रहने की बात समझाई गई। वहीं बच्चों के बीच जाकर पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि को भी बढ़ाया। इस मौके पर डॉक्टर दयानिधि शर्मा, मालिक मशहूर, विकास दामिनिया, अविनाश बंधु, रविंद्र भारती, दीपिका चतुर्वेदी, आशीष सिंह, रविकांत सिंह, विद्या भूषण शर्मा, रोहित कुमार, संजीत कुमार, MD शमशीर चंदन द्विवेदी, कैप्टन आर्यन सिंह, रुपेश रंजन, मुकेश कुमार, विक्रांत कुमार, पवन शुक्ला, प्रेम भूषण, आकाश कुमार, राहुल कुमार, मनोज कुमार, राजेश कुमार, अनुभव रंजन, मुकेश सोझा, सोनू कुमार, राजा रवि, प्रिया, मंजू, साक्षी, प्रतिमा, खुशबू, प्रीति, नेहा, तारा, रीमा मौजूद रहे। दिवस पे आप बच्चों के स्लम बस्ती के बच्चों के साथ ये आए हैं और सैनिक तिवारी जी, कैसा लग रहा है? देखिए, बिहार दिवस के अवसर पे अपना पाठशाला के द्वारा जो संस्थापिका है सैनिक तिवारी जी, उनके द्वारा जो कार्य किया गया ये सराहनीय है। और गरीब बच्चों को, स्लम के बच्चों को, उनके अपना पाठशाला की तरफ से मुफ्त पुस्तक वितरण किया जा रहा है और भी अन्य जो पढ़ाई के सामान हैं, सामग्रियों को वितरण किया जा रहा है। ये तो अपने आप में नेक कार्य है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और खास करके युवा हैं और युवाओं को इस तरह के काम में आगे आना चाहिए। सर, बिहार दिवस पे आप 110 साल पूरे होने पे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार की एक अपनी अस्मिता, अपनी पहचान बिहार को मिली है और हम सब बिहारवासियों को मिलकर चाहिए कि अपने बिहार को और आगे बढ़ाएं। सर, आप बिहार में मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आप बिहार को इसमें कहाँ खड़ा देखते हैं अभी 110 साल बाद भी? बिहार पहले से बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस मनाया इसलिए जाता है कि हम बिहार की तरक्की के लिए कुछ कर सकें। उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है एजुकेशन का, और उसमें क्या है, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनके जब एजुकेशन सिस्टम सही होंगे तो हमारे बिहार की तरक्की होगी। इसलिए जब हम लोगों को पता चले कि कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम करना चाह रहे हैं कि हम बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराएं, हमने उनका सहयोग किया और हम लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम आज हुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में लगातार ऐसा कार्यक्रम होता रहे, इन बच्चों को आज से फ्री में पढ़ाया जाएगा। पहले भी पढ़ाया जाता था लेकिन अब प्रॉपर वे में हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं और पूरा बिहार भर में हम लोग ऐसे बच्चे को जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उनका सही नहीं है, उनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उन लोग को हम लोग सपोर्ट करेंगे और पूरे बिहार वर्ष में हर बच्चे को पढ़ने का मौका देंगे। अपना बिहार पाठशाला जो है वो कहाँ कहाँ पे चल रहा है? देखिए, ये बिहार पाठशाला तो जो अपना पाठशाला आज से ही शुरू हुआ है और इसको यहीं से नींव दिया गया है। इससे पहले हमारा शिक्षा बिहार नाम से संस्था चलता है, जिसके द्वारा हम लोग अन्य जगहों पे पढ़ाई का कार्यक्रम करवाते हैं बच्चों। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन अपना पाठशाला नाम से संस्था का आदमी हम लोग जाड़ा है पटना से। अब हम लोग पूरे बिहार में इस बच्चे को आप शिक्षा देंगे? इसमें देंगे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, या फिर जो भी खुदसा के बच्चे पल रहे हैं जिनको की सही स्थिति परिस्थिति के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिलता। एज क्या होगा बच्चे का? इसमें नो एज लिमिट है। हम लोग कोशिश में है कि जो भी बच्चे हमारे से लाभान्वित हो सके हम उनको यथासंभव सहयोग।